ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। बेटियां क्या कुछ नहीं कर सकती, वो कहते हैं ना, पर तो हैं, लेकिन उड़ान भरने के लिए आसमान जरूरी होता है। और अगर बेटियों को आसमान दे दिया जाए तो वो किसी से भी कम नहीं। फिर एक बार एक बिटिया ने कमाल भी किया और पूरी दुनिया में देश का नाम भी किया। जी हाँ, भारत की लाडली मनु भाकर ने ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास ही रच दिया। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु ने इस बार पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजीत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल है। 22 साल की मनु इसके साथ ही ओलंपिक इतिहास में ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब खूब अभिनंदन आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजा से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद उत्साह और आनंद में हो। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे 0.1 से आप सिल्वर आपका रह गया जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कहाँ से पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर, I mean first medal was very good, it felt really good, but the second medal, I mean the fight was really tough and we were trying in each shot. The fight was very neck to neck, although the first bronze was also very neck to neck fight, so I lost by 0.1, but this time I feel satisfied and I'm like okay, thank god. But the last shot was his, so I owe it to him. Manu ne ravivar ko 10 meter air pistol event mein bronze medal jeeta tha. मनु भाकर और सरबजोत सिंह का मंगलवार को पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के लिए दक्षिण कोरिया की ली वॉनहो और ओह ये जिन से मुकाबला हुआ। भारतीय जोड़ी ने इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 16-10 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। ये पेरिस ओलंपिक में भी भारत का 2 मेडल है। बता दें कि भारत ने ये 2 मेडल शूटिंग में ही जीते हैं। मनु भाकर और सरबजोत सिंह के ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में शुरुआत हालांकि अच्छी नहीं हुई थी। भारतीय जोड़ी पहला शॉट हार चुकी थी। भारतीय जोड़ी खराब शुरुआत से निराश नहीं हुई और अगला ही शॉट उन्होंने जीत लिया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और देखते ही देखते मनु भाकर और सरबजोत सिंह 6-2 से आगे हो चुके थे। जब कोरियाई जोड़ी 6 के स्कोर तक पहुंची, तब तक भारतीय जोड़ी 14 के स्कोर पर पहुंच गई। जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 अंक की जरूरत थी, तब कोरियाई जोड़ी ने लगातार 2 शॉट जीतकर अपना स्कोर 10 तक पहुंचा लिया। लेकिन भारतीय जोड़ी ने इसके बाद विरोधी जोड़ी को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय जोड़ी ने 13वें शॉट को अपने नाम कर स्कोर 16-10 कर दिया। हालांकि मनु भाकर के सामने एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्होंने शूटिंग छोड़ने का ही मन बना लिया था। ये बात साल 2021 के टोक्यो ओलंपिक की है। उस वक्त नंबर 1 शूटर रही मनु भाकर क्वालिफाइंग राउंड में प्रवेश तो कर चुकी थी और तब मनु को 55 मिनट में 44 शॉट लगाने थे, लेकिन उनके पिस्टल खराब होने के कारण ऐसा नहीं कर पाई और 20 मिनट तक वो निशाना भी नहीं लगा सकी। जब पिस्टल ठीक हुई तो उन्होंने केवल 14 शॉट ही लगाए और रेस से वे बाहर हो गई। इस वाक्य के बाद मनु जब भारत लौटी तो बेहद वे उदास नजर आ रही थी। उनकी माँ भी परेशान हो गई थी और उन्होंने तो मनु की पिस्टल को भी छिपा दिया था ताकि उसे देखकर वे और दुखी ना हो जाए, लेकिन मनु ज़्यादा दिनों तक पिस्टल से खुद को दूर नहीं रख पाई और आखिरकार उन्होंने देश को दूसरी बार गौरवान्वित कर दिया। इसी के साथ वे एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं।
I mean, first medal was very good. It felt really good. But the second medal, I mean, the fight was really tough and we were trying in each shot. The fight was very neck to neck, although the first bronze was also very neck to neck fight. So I lost by 0.1. But this time I feel satisfied. I'm like, okay, thank God. But the last shot was his, so I owe it to him. आपको बता दें कि मनु की माँ डॉक्टर सुमेधा भाकर स्कूल प्रिंसिपल रही हैं। वे चाहती थीं कि बेटी डॉक्टर बने। स्कूल के फिजिकल टीचर ने मनु को स्पोर्ट्स में डालने के लिए कहा था। टीचर ने कहा था कि डॉक्टर कौन जानेगा, अगर मनु देश के लिए मेडल जीतेंगी तो पूरी दुनिया उन्हें जानेगी, पहचानेगी। डॉक्टर सुमेधा को फिजिकल टीचर की सलाह ठीक लगी और यहीं से मनु की स्पोर्ट्स की जर्नी यानी कि शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि उनके पिता उन्हें बॉक्सर बनाना चाहते थे, मनु के बड़े भाई भी बॉक्सिंग करते थे, इसलिए मनु भी बॉक्सिंग करने लगी शुरुआत में। नेशनल लेवल पर उन्होंने मेडल जीते और एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उनकी आंख में चोट लग गई। इसके बाद आंख में सूजन आ गई। चोट लगने के बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ने का मन बना लिया। उनकी माँ ने भी मनु के पापा से साफ कह दिया था कि जिस गेम में बेटी को चोट लगे वो गेम उसे नहीं खिलाया जाएगा। इसके बाद मनु ने बॉक्सिंग छोड़ दी और मार्शल आर्ट में हाथ आजमाया। मनु को लगा कि इस गेम में चीटिंग होती है और उन्होंने मार्शल आर्ट भी छोड़ दिया। इतना ही नहीं, मनु ने आर्चरी, टेनिस और स्केटिंग की प्रैक्टिस भी शुरू की, मेडल भी जीते, लेकिन किसी भी खेल में उनका मन नहीं लगा। हालांकि इस वक्त तक मनु कई गेम में हाथ आजमा चुकी थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनकी माँ जिस यूनिवर्सल स्कूल में प्रिंसिपल थी वहीं शूटिंग रेंज भी है। माँ ने मनु के पापा को उनके साथ शूटिंग रेंज भेजा और मनु ने पहला जब शॉट मारा तो फिजिकल टीचर अनिल जाखड़ ने उनका हुनर पहचान लिया। मनु की माँ से उन्होंने कहा कि मनु को इस गेम में टाइम देने दीजिए और ये देश के लिए मेडल ज़रूर लेकर आएंगी। वो दिन है और आज का दिन है। मनु ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ 14 बरस की उम्र से मनु ने शूटिंग में अपना करियर बनाना शुरू किया और आज उन्होंने इतिहास रच दिया है। नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है, तो मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है, उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे, तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरबजोत का भी स्ट्रांग होके खेलना बहुत जरूरी है। हालांकि मनु भाकर और सरबजोत सिंह की ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और भारतीय जोड़ी पहला शॉट हार चुकी थी। भारतीय जोड़ी खराब शुरुआत से निराश नहीं हुई और अगला ही शॉट उन्होंने जीत लिया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक्स में भारत ने 2 मेडल अपने नाम कर लिए। 22 साल की मनु इसके साथ ही ओलंपिक इतिहास में ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। मनु ने रविवार को ही 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था।